हेलो दोस्तों, मंजित बियाली चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आपने भी आवेदन किया है और आपका आवेदन अप्रूवल हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है और उसके बाद में जब आप अपना बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करते हैं तो बेनिफिशियरी स्टेटस चेक नहीं होता है, रिकॉर्ड नॉट फंड आता है और आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि हमारा फॉर्म वेरीफाई हो गया है और हमें रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल गया है फिर भी हमारा स्टेटस लॉग इन नहीं हो रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि आपका फॉर्म अप्रूवल हो गया है, वेरीफाई हो गया है और आपको हरी झंडी मिल गई है फिर भी आपका स्टेटस चेक नहीं होता है तो स्टेटस कैसे चेक होगा, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, सबसे पहले आपको पीएम किसान पोर्टल पर आ जाना है। पीएम किसान पोर्टल पर आने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और स्क्रॉल डाउन करने के बाद में यहां से अपना जो स्टेटस होता है फॉर्म वर्क के, हमारा फॉर्म अप्रूवल स्टेट लेवल से हुआ है या डिस्ट्रिक्ट से हुआ है या हमारा फॉर्म दोनों लेवल से अप्रूवल हो गया है, वो हम यहां से स्टेटस को चेक करेंगे। तो उसके लिए आपको स्टेटस सेल्फ रजिस्टर्ड पे इस पे ओके कर देना है। दोस्तों, यहां से जो किसान भाई का फॉर्म अप्रूवल हो गया है उनका यहां से स्टेटस चेक करेंगे तो उनका यहां से आधार कार्ड नंबर डालेंगे, यहाँ से जो कैप्चा मिल रहा है वो कैप्चा यहाँ से फिल कर देंगे। उसके बाद में सर्च पे ओके करेंगे तो वैसे ही इन किसान भाई का जो स्टेटस होता है लॉग इन हो जाएगा। दोस्तों, हमने एक किसान भाई का यहाँ से स्टेटस को लॉग इन कर लिया है। लॉग इन होने के बाद में इनका जो फार्मर एप्लीकेशन यहाँ से स्टेटस मिल जाता है और इनका रजिस्ट्रेशन जो डेट है 2021 में इनका फॉर्म अप्रूवल हो गया था, उसके बाद में इन्हें रीजन फॉर रिजेक्शन में इन्हें किसी प्रकार का भी मैसेज नहीं हुआ है। दोस्तों, आपके मन में एक ख्याल आता है कि 2021 के जो फॉर्म थे हमारे तो रिजेक्ट हो गया है, इन किसान भाई का ये फॉर्म कैसे अप्रूवल हो गया है। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह बताते हैं, यह भी फॉर्म पहले रिजेक्ट बाई स्टेट आ रहा था, इन किसान भाइयों ने फॉर्म को अपडेट किया था, सेल्फ अपडेशन पे जाके खुद से ही फॉर्म को ठीक किया था। जब सेल्फ अपडेशन कैसे करते हैं वो आप पीएम किसान पोर्टल पे आएंगे, जैसा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, रिजेक्ट फॉर्म को कैसे ठीक करते हैं तो उसके लिए आपको पीएम किसान पोर्टल पे आ जाना है और पीएम किसान पोर्टल पे आने के बाद में आपको यहां मिल जाता है अपडेशन सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर। दोस्तों, जिस किसी किसान भाई का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, डिस्ट्रिक्ट से रिजेक्ट होता है, ब्लॉक से रिजेक्ट होता है या स्टेट गवर्नमेंट से रिजेक्ट होता है, वो किसान भाई यहां से अपडेशन सेल्फ रजिस्टर्ड पे जाके अपना फॉर्म का सुधार कर सकते हैं, खतौनी को अपलोड कर सकते हैं, नाम का करेक्शन कर सकते हैं। और दोस्तों, जो हमारा जो फॉर्म था वो अप्रूवल हो गया है, वो रिकॉर्ड नॉट फंड आ रहा है जब बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करते हैं तब। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनका जो स्टेटस है वो यहां से फार्मर हैज ऑलरेडी हैज बीन रजिस्टर्ड पीएम किसान पोर्टल, यो स्टेटस फार्मर कॉर्नर अंडर बेनिफिशियरी आ रहा है। इसका मतलब इनका हरी झंडी मिल चुकी है, स्टेट गवर्नमेंट से इनका फॉर्म वेरीफाई हो गया है और डिस्ट्रिक्ट से भी इनका फॉर्म वेरीफाई हो गया है, ब्लॉक से भी इनका फॉर्म वेरीफाई हो गया है, इनकी डॉक्यूमेंट की जांच हो चुकी है, फिर भी इनका जो स्टेटस होता है लॉग इन नहीं हो रहा है। दोस्तों, सबसे पहले आपको पीएम किसान पोर्टल पे आ जाना है और पीएम किसान पोर्टल पे आने के बाद में सबसे पहले आपको यहाँ पे इस कॉलम पे आ जाना है, नॉवर स्टेटस। जैसे कि आपका फॉर्म अप्रूवल हो गया है उसके बाद में आपको नॉवर स्टेटस पे आ जाना है और इस पे आने के बाद में थोड़ा सा वेट करना है, उसके बाद में यहाँ से अपना स्टेटस को हम चेक करेंगे। दोस्तों, उसके बाद में आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। दोस्तों, डालने को आपको रजिस्ट्रेशन नंबर सिंपली आपको डाल देना है, कैप्चा डालना है और सर्च पे ओके कर देना है। अब दोस्तों, कुछ किसान भाई ऐसे होते हैं जिनका फॉर्म अप्रूवल हो गया है बट उनके पास में रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे जारी करें, उन किसान भाई को यहाँ से एक कॉलम मिलता है नॉवर रजिस्ट्रेशन नंबर, तो सिंपली इस पे ओके कर देंगे और ओके करने के बाद में यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, जैसे कि हमें रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है, उसके बाद में हम यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं, कैप्चा फिल करते हैं और उसके बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं। गेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद में जो हमारा ई केवाईसी वाला मोबाइल नंबर होता है उस पर हमारा एक ओटीपी आता है, वन टाइम पासवर्ड आता है, उस वन टाइम पासवर्ड को डालते हैं, फिर भी हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर यहां से लॉग इन नहीं होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर स्टेटस चेक नहीं होता है। अब दोस्तों, आपके मन में ख्याल आता है कि हमारा फॉर्म एक मंथ पहले वेरीफाई हो गया है, 10 दिन पहले वेरीफाई हो गया है या 2 दिन पहले वेरीफाई हो गया है, फिर भी हमारा फॉर्म यहां से स्टेटस चेक नहीं हो रहा है। दोस्तों, कुछ किसान भाई का यहां से स्टेटस चेक इसलिए नहीं होता है क्योंकि कुछ किसान भाई मोबाइल से स्टेटस को चेक करते हैं, बार बार स्टेटस को चेक करते हैं तो उनका जो हिस्ट्री जो डेटा है वो सेव हो जाता है। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर की अपनी 3 डॉट पे आ जाना है और आने के बाद में आपको हिस्ट्री मिलेगा और हिस्ट्री मिलने के बाद भी इस पे ओके करना है और इस पे ओके करने के बाद में जो भी हिस्ट्री होता है वो आपको क्लियर ब्राउजर डेटा कर देना है। जहाँ से जो क्लियर ब्राउजर डेटा करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं जो मैंने हिस्ट्री को यहाँ से देखा है, पीएम किसान सभी आ रहा है, तो यह हिस्ट्री आपकी डिलीट हो जाएगी और उसके बाद में आपका जो स्टेटस होता है लॉग इन हो जाता है। अब दोस्तों, कुछ किसान भाई का होता है कि हमारा स्टेटस को लॉग इन हो गया है बट हमारा स्टेटस लॉग इन अभी तक नहीं हुआ है, तो कुछ किसान भाई को यहाँ से जो स्टेटस होता है हाल फिलहाल में
फॉर्म अप्रूवल होता है। कुछ किसान भाई का यहाँ से फॉर्म 10 दिन पहले अप्रूवल हुआ है या 5 दिन पहले अप्रूवल हुआ है या आपको यहाँ 15 दिन पहले अप्रूवल हुआ है या 20 दिन पहले अप्रूवल हुआ है, तो उन किसान भाई को कुछ दिन का वेट कर लेना चाहिए। उन किसान भाई को जब कुछ दिन का वेट करेंगे उसके बाद में पीएम किसान पोर्टल पर उनका स्टेटस अपडेट होगा, उनका जो डेटा होता है वो ओपन हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो पीएम किसान सम्मान निधि का जो पोर्टल है उसमें अपडेटिंग होने में टाइम लगता है, जैसा कि आपका जो फॉर्म अप्रूवल हो गया है बट पीएम किसान पोर्टल पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो जारी हो गया है बट यहाँ पीएम किसान पोर्टल पे जो अपडेटिंग डेटा होता है उससे शो होने में कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ डेटा का इशू होता है, कुछ यहाँ सर्वर की प्रॉब्लम होती है, इस सर्वर पे हैवी ट्रैफिक चलता रहता है। इसलिए दोस्तों आपको कुछ दिन का वेट कर लेना चाहिए। आपको यह मैसेज प्राप्त होता है कि फार्मर हैज ऑलरेडी हैज बीन रजिस्टर्ड आता है पीएम किसान पोर्टल चेक और आता है, तो आपको बिंदास रहे, आपको फॉर्म 100% वेरीफाई हो चुका है और आपको पीएम किसान सम्मान निधि के जो 16वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा है वो 100% आपके खाते में पहुंच जाएगा। दोस्तों यदि बाई चांस आपका रिकॉर्ड नॉट फंड आता है तो 1-2 दिन बाद आप दोबारा से ट्राई करेंगे या 24 घंटे बाद दोबारा से ट्राई करेंगे तो उसके बाद में आपको पीएम जो स्टेटस होता है पीएम किसान सम्मान निधि का बेनिफिशियरी स्टेटस होता है वो आपका लॉगिन हो जाएगा और लॉगिन होने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि हमें कितनी इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा कितनी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिलेगा। दोस्तों यदि आपके फॉर्म में और भी कोई प्रॉब्लम आती है, लैंड सीडिंग की समस्या आती है, ई केवाईसी की समस्या आती है या एप्टू नो आता है और भी कोई समस्या आती है तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना मैसेज जरूर छोड़ें और उस मैसेज का जवाब आपको 100% दिया जाता है। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।